ऑलराइट गाइस, सो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ रीज़न की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। तो फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्केचवेयर का एक अपडेट आया है जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक स्केचवेयर डेवलपर हैं। तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन होना चाहें तो आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। स्केचवेयर का जो स्केचवेयर प्रो का जो ऑफिशियल गिटहब अकाउंट है वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कार्ड में डिस्कार्ड में ज्वाइन होने के बाद आपको क्या होगा, जितने भी अपडेट्स होंगे वहाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है जो कि यहाँ पे इन्होंने एक अनाउंसमेंट रिलीज किया है 4 अप्रैल को किया है गाइज, जो कि इन्होंने दो वेबसाइट फिलहाल लॉन्च किया है। दोनों में से दोनों में आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, वेबसाइट कौन सा अगर आपको रखना चाहिए, मतलब कौन सा लगता है आपको कि बेटर वेबसाइट है, तो आप जो है उसे यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। 1-2 करके नीचे में अगर आप देखेंगे तो 1-2 करके यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लाइक किया है, देख सकते हैं कि 1 जो वेबसाइट है वो उसमें 126 और दूसरा वेबसाइट है जो 165 लाइक किया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पे ये 1 वीक के लिए है, उसके बाद यहाँ पे ये वेबसाइट जो है एक ही रहेगा क्योंकि दो वेबसाइट को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑफिशियल स्केचवेयर का वेबसाइट देखने को मिलेगा और यहाँ से आप नीचे में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप डिस्कार्ड में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे भी हो सकता है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप चाह के डायरेक्टली जो है स्केचवेयर प्रो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे सर्च करना है। दूसरा वाला वेबसाइट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 वाला, फर्स्ट वाला आपने देख लिया। सेकंड में देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूआई डिज़ाइन किया गया है। नीचे में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह आप एप्लीकेशन इसमें बना पाएंगे विदाउट कोडिंग। विजुअल आपको ग्राफिक यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलेगा, उसके साथ आप जो है अपना कोडिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं तो डायरेक्टली आपको गूगल में सर्च करना है स्केचवेयर प्रो। ठीक है, स्केच, हाँ एक सेकेंड, स्केचवेयर प्रो गिटहब। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट देखने को मिलेगा जो कि गिटहब का है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, कोड पे क्लिक करने पे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको जो ओपन सोर्स है गिटहब पे रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आएंगे, सबसे नीचे में रिलीजेस में देखेंगे तो अभी इसमें रिलीजेस कुछ नहीं है। 1 वीक में जो है स्टेबल वर्जन रिलीज होने वाला है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी रिलीजेस उतना ही है, 6 रिलीजेस है तो उतना ही है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन होना है डिस्कार्ड में तो यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो है डिस्कार्ड पे ज्वाइन होने का इनवाइट एक्सेप्ट कर लेना है और आप इजीली जो है ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हूँ तो यहाँ पे हमें जो है दिख रहा है। तो इस तरह से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं और यहाँ पे आप अपना रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं अगर कुछ रिक्वेस्ट डालना हो तो। रेंडमली यही अपडेट था गाइस। और इसमें फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ तो स्टेबल वर्जन आने वाला है। स्टेबल वर्जन में आपको देखने को मिलेगा UI मटेरियल 3 का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, साफ साफ इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। नीचे में अगर आप देखेंगे तो रिएक्ट आइदर 1 और 2 डिपेंडिंग ऑन योर लाइक वुड वी लाइक टू सी फ्रॉम नाउ ऑन, एक ही रहेगा। और ये जो है दिस पोल विल एंड 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो नया स्टेबल वर्जन रिलीज होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मटेरियल 3 डिजाइन इसमें एप्लीकेशन स्केचवेयर प्रो में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा अपडेट है गाइस। तो आप कोई भी एक वेबसाइट जो भी आप रखना चाहते हैं, मीन्स जो ज़्यादा मैक्सिमम रेटिंग आएगा, मैक्सिमम वोट आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है दोनों में से एक वेबसाइट जो है ऑफिशियली स्केचवेयर प्रो का रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।